हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक बिल्कुल मैजिकल मास्क। जी हाँ, जैसे मैंने मैजिकल ऑयल आपके साथ शेयर किया है, ये मास्क भी उतना ही मैजिकल है। और ये मैंने यूज किया है, इसके बाद का आप रिजल्ट देख सकते हैं। और वो इसके यूज करने से पहले मैंने वही हेयर ऑयल अप्लाई किया था और नेक्स्ट डे शैम्पू किया था, फिर एक दिन रुक करके फिर उसके तीसरे दिन मतलब मैंने ये मास्क यूज किया है और देन शैम्पू, और रिजल्ट आपके सामने है। ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। आप इसको खुद यूज कीजिए, तब आपको खुद में ही विश्वास होगा कि ये कितना इफेक्टिव है। ये मैं बस यूँ ही आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, जब मैं अपने ऊपर इसको अप्लाई करती हूँ और इसका रिजल्ट अच्छा आता है तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आप इसको बेचक मतलब बिंदास होकर आप इसको इस्तेमाल करें और ये गजब के रिजल्ट देखें, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे आपके पास। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ये रेमेडी आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक ज़रूर दें। फिर चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम एक जेल प्रिपेयर करेंगे, ये फ्लेक्सिड जेल। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये लगभग 1.5 ग्लास पानी, और इसमें डालेंगे ये फ्लेक्स सीड्स। ये है फ्लेक्स सीड्स, इसको हम अलसी के बीज भी बोलते हैं और आम भाषा में तीसी भी बोलते हैं। तो इसका मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ पानी में। इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है और बिल्कुल जेल की तरह होने तक इसको हम पकाएंगे। बिल्कुल आप स्लो फ्लेम पे इसको पकाएं। पानी हमारा थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। ये हमारा बॉईल होने लगा है तो बिल्कुल सिम पे आप रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा होता है, नीचे लग सकता है। वो अच्छी तरह से पकने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने लगा है। अभी बहुत गर्म है, नहीं तो आप इस तरह से छू के देख सकते हैं, बिल्कुल तार की तरह दिख रहा है और ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा झाग की तरह बनेगा। तब आप गैस को ऑफ कर दीजिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल गर्म गर्म में ही छानना है, ठंडा हो जाएगा अगर तो ये फिर बिल्कुल आपका जेल नहीं निकलेगा, सारा आपस में ही चिपक के रह जाएगा। तो इसको इस तरह से आप एक छन्नी रखकर इसमें छान सकते हैं। और इस तरह से आप छन्नी में दबा दबा कर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लें। अब इसको आप ठंडा करके फ्रिज में रख लें और 10 दिन तक यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। जेल हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। फिर मास्क प्रिपेयर करते हैं। तो मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ ये एक बनाना, बिल्कुल पका हुआ बनाना लें आप। और साथ ही लेंगे ये जेल। तो निकालने में दिक्कत होगी, इसको निकालने में दिक्कत होगी, मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ। ये लगभग 4 टेबल स्पून के करीब, आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही में लेंगे ये लगभग 1 चम्मच हनी। ये सबको अच्छी तरह से मतलब ऐसे तो ये मिक्स होगा ही नहीं, तो इसको हम मिक्सी के जार में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल स्मूथ। अब इसको हम छान लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी बालों में रेशे नहीं चाहिए। ये छानने से इसका केला का सारा रेशा निकल जाएगा और हमें एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट मिल जाएगा। ये देखिए ये बनाना और ये जेल हमारा खूब अच्छी तरह से छन गया है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट मिल गया है और ये बनाना के
बीज और जो भी है रेसे, ये अलग हो गया है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ लगभग 1 चम्मच नारियल तेल। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए बालों में अप्लाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम, ये आप देख सकते हैं। ये अप्लाई करने से पहले कि हमारे बाल, आप भी अपने बालों को पहले का ठीक करके रखें और अप्लाई करने के बाद का भी फिर से देखें। चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। आप इस समय चाहे तो एक टॉवल डाल लें या फिर आप पुराने कपड़े पहने, क्योंकि ये बहुत ही मेसी हो सकता है और इसको आपको हाथ से ही अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से लेते जाएं, पहले पूरे स्कैल्प पे। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन ये आपको फायदा जरूर देगा। अगर आप बालों में ये साइन चाहते हैं, बालों की मजबूती चाहते हैं, तो थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप इसी तरह से पार्टीशन करते जाएं। इसको अप्लाई करें। तो आप बिल्कुल छोटा छोटा सेक्शन लेके पूरे बालों में इसको रूट से लेंथ तक पूरा लेंथ करेंगे। देख सकते हैं कि मैंने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। लगाते टाइम आप इस तरह से लगाते जाएं और कोम से हल्का हल्का कोम भी करते जाएं मोटे दांतों वाली कंघी से। तो ये एक एक बाल में अच्छी तरह से लगेगा और बिल्कुल स्ट्रेट भी रहेगा बाल। अगर आपको स्ट्रेट बाल चाहिए तो बालों को आपको बिल्कुल खुले किसी तरह से रहने दें। अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं और अनइजी लग रहा हो तो आप बन बना सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट बिल्कुल चाहिए आपको बाल तो किसी तरह से खुला रखें। अप्लाई करते जाएं और इस तरह से कोम। ये देखिए आप, ये कंघी बालों में कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, बिल्कुल भी फंस नहीं रहा है। इसी तरह से इधर के भी बालों को भी आप जब लगाएं एक एक लट में आप उसी समय कोम कर सकते हैं। ज़्यादा इजी होगा। पूरे बालों में कोम कर लिया है, अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी और इसको लगा के आपको 45 मिनट तक रखना है। उसके बाद आप बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर सकते हैं। कंडीशनर बिल्कुल ना करें, इसमें आपको कंडीशनर की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आप शैम्पू करने के बाद आप लोग अपने बालों को देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। तरह से कोम करने में ना मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मतलब अपने में फील हो रहा है कि एकदम स्मूथ है बाल। ये बालों में लगे हुए मुझे 45 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ इसको शैम्पू करने, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं रिजल्ट। मैं बालों में शैम्पू करके आ गई हूँ। आप देख सकते हैं बाल अभी से कितने स्मूथ दिख रहे हैं, बिल्कुल गीले हैं बाल। मैंने कोम नहीं किया है, गीले बालों में मैं कभी कोम नहीं करती हूँ और आपको भी नहीं करना चाहिए, इससे बाल बहुत दिखते हैं। आप अभी से देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं, सॉफ्ट और शाइनी। सूखने पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल गीले बालों में इतना सॉफ्ट है, बाल सूखने के बाद तो ये आप खुद जब इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना इफेक्टिव है। और ये जो सब सॉफ्टनेस मैं फील कर रही हूँ वो जब आप फील करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसलिए
सिर्फ मेरे कहने पर ना जाएं, आप यूज करें, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ ये बाल हमारे बिल्कुल भी सूख गए हैं। अब तक मैंने कॉम्ब किया नहीं है, कॉम्ब करती हूँ। वाव, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कंघी कहीं फंस भी नहीं रहा है। बिल्कुल शाइनी, स्मूथ, सिल्की, मतलब आपको खुद के बालों में ही बाल हाथ फेरने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इतने स्मूथ हो गए। मैं ब्रश भी करके दिखाती हूँ आपको। ऐसा मेरा एक भी बाल नहीं है। सर, आप आज ही जाके इसको यूज कीजिए और इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप देखिए बिल्कुल स्मूथ है बाल, बिल्कुल बिल्कुल सही बालों में शाइन, बिल्कुल सिल्की हो गए हैं, बिल्कुल स्मूथ और शाइनी है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप अपने बालों में ही खुद से इस तरह से हाथ डालने से रोक नहीं पाएंगे, अपने बालों में बार बार हाथ डालने का आपको मन करेगा, उंगली इस तरह से फिराने का मन करेगा। जो मेरी तो ये आदत है जो कि बहुत गंदी आदत है, लेकिन आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आइए मैं आपको बिल्कुल नेचुरल लाइट में भी दिखा रही हूँ बाल, ये मैं आपको बिल्कुल नेचुरल लाइट में भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं।